Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to my channel Ali Vlogs and good morning from Maldives. अभी बज रहे हैं लगभग 9:30 और हम लोग उठे हैं कोविड टेस्ट कराने के लिए बिकॉज यहाँ पे लगभग 48 आवर्स टू 72 आवर्स पहले हम लोग को कोविड टेस्ट कराना पड़ेगा एंड वी आर गोइंग टू डू दैट नाउ बिकॉज कोविड टेस्ट अभी करा के ये लोग माले को रिपोर्ट भेजते हैं और माले से रिपोर्ट आता है. ये देखो सुबह सुबह उठते ही ये नज़ारा मिलता है हमें. बहुत ब्यूटीफुल सा नज़ारा है. सीरियसली लुक एट दिस प्लेस, इट इज़ डैम अमेजिंग. वैसे अभी बहुत बहुत ज़्यादा धूप भी हो रही है हम लोग को एंड नाउ आई एम जस्ट ड्रेस्ड अप फॉर द ब्रेकफास्ट और ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग बहुत सारे एक्टिविटीज़ आज करेंगे जैसे कि स्नॉर्कलिंग करेंगे. मन करता है कि यहीं पर रह जाओ एंड डू नॉट फील लाइक गोइंग आउट, यू जस्ट फील लाइक स्टेइंग हियर फॉर एवर एंड एवर. कोविड टेस्ट यहाँ पे जैसे ही कोविड टेस्ट करवाता ना कोई भी कराता है तो ये नाक में ऐसे घुसार देते हैं. बहुत परेशानी हो जाती है, बहुत प्रॉब्लम हो जाता है. अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करने जाएंगे एंड द टेस्ट विल बी कमिंग आउट टुमोरो. आज देने के बाद ये दे विल सेंड इट टू माले एंड उसके बाद रिपोर्ट आता है. देखो दिस इज़ अ ब्यूटिफुल प्लेस, यहाँ पे अच्छे से बैठो, अच्छे से रिलैक्स करो और यहाँ पे ऐसे ही मस्त बैठ के सनसेट देखने का. सनसेट यहाँ पे होता है तो सनसेट देख के एंजॉय करने का और बहुत सारे चीज़ें हैं यहाँ पे करने का. 4 दिन काफ़ी नहीं है एक्चुअली, 4 दिन आना यहाँ पे मतलब इट्स नॉट यूजफुल. 5-6 दिन आओ, आराम से रहो, दे विल गिव यू गुड पैकेज एज वेल. पैकेज में आना बिकॉज इफ़ यू कम डाउन हियर फ्रॉम सम बुकिंग और समथिंग यू विल हैव टू पे एक्स्ट्रा फॉर बोट ट्रांसफ़र एंड ऑल दैट. वो सब चार्जेस मिला के 60,000 हो जाता है एंड यू विल बी एंड अप पेइंग अ लॉट ऑफ मनी. तो दैट्स वाई ऑलवेज ट्राई टू गेट इट फ्रॉम द एजेंट या booking.com या कोई भी .com से फुल पैकेज लेके आना. अगर आप लोग सोचे हो कि पैकेज नहीं ऐसे ही आ जाएंगे दैट वही गलती होएगी. पैकेज लेके आना, उसके बाद आप लोग कम पड़ेगा. ऑलराइट, तो हम लोग अभी ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे हैं बिकॉज हमारे रूम से अगर कॉल करो दे विल कम बिकॉज हम बगी मतलब बगी में आते हैं, पिकअप करते हैं और फिर हमें रेस्टोरेंट के पास ड्रॉप कर देते हैं. तो ये सर्विस बड़ी अच्छी है बिकॉज वी हैव टू वॉक अ लॉन्ग वे. दैट्स वाई वॉक करने के लिए नहीं होता, दैट्स वाई दे माइनस दैट एंड दे गेट द बगी सर्विस फॉर अच्छा. दैट इज़ वेरी गुड. मतलब जाते हैं और ब्रेकफास्ट करते हैं. दिख रहा है दे कुक लाइव, मतलब यू कैन सी द किचन एंड यू कैन सी व्हाट ऑल इज गेटिंग प्रिपेयर्ड. योर फूड ऑल्सो गेट्स प्रिपेयर्ड हियर, तो दैट इज़ वन गुड थिंग. मतलब लाइव किचन रहता है और यू कैन सी ऑल द स्टफ दे आर प्रिपेयरिंग फॉर यू. अभी हम लोग ने क्रोसॉन्ट लिया है, दानिश लिया है और बनाना केक भी लिया है. वी हैव जस्ट टेकन दिस एज अ स्टार्टर एंड ब्रेकफास्ट देखते हैं क्या आता है बिकॉज ब्रेकफास्ट में बहुत सारी चीज़ें देते हैं. सो ब्रेकफास्ट आ गया है विथ ऑमलेट सॉसेज एंड क्रोसॉन्ट. हम लोग ने थोड़ा बहुत खाया यहाँ पे. दिस इज़ अगेन स्क्रैम्बल्ड एग सॉसेज. ये ब्रेकफास्ट आ गया हम लोग का. हम लोग इतना खाते हैं यहाँ पे, मतलब ठीक से पेट भर जाता है. और यहाँ का इंक्लूसिव लो, अगर आप लोगों को मालदीव्स जाना है तो मालदीव्स में आप लोगों को ब्रेकफास्ट लंच और डिनर साथ में लेना है. ये देखो इसको देख देख के मन भरता ही नहीं है, इतनी खूबसूरत जगह है. एंड नाउ आई एम रेडी टू गो फॉर लंच. और अभी मैंने फिर से अटायर चेंज कर दिया है बिकॉज यहाँ पे ब्रेकफास्ट लंच और डिनर में डिफरेंट अटायर पहन के जाओ तो बहुत अच्छे फोटोज़ भी आते हैं, बहुत अच्छे लगते भी हो. और आफ्टर लंच वी आर गोइंग टू स्नॉर्कलिंग मे बी बिकॉज अभी बहुत हाई टाइड है. देखो ये पानी इतना आ गया है, ये पानी इतना ज़्यादा आ गया है. अभी हाई टाइड्स है और वेव ज़्यादा हो रहे हैं तो इसलिए हम लोग वेट कर रहे थे कि कब हाई टाइड जब जाएगा. लगभग 5 बजे हो जाएंगे और सनसेट का भी मज़ा लेंगे. यहाँ पे देखो स्विमिंग पूल है और वी ड्रैंक
नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक, बहुत शानदार, एंड द प्लेस लुक्स रियली ब्यूटिफुल. अभी बाहर चलते हैं और बीच का नज़ारा भी आपको बताते हैं, बिकॉज इट हैज़ वाइट सैंड. मतलब वाइट सैंड बहुत ब्यूटिफुल लगता है वहाँ पे. एक आई थिंक हैमॉक भी बहुत सारे हैं, और वहाँ पे क्या होता है ना, बीच में जाने से बहुत धूप मारती है, और यहाँ पे रूम पे ही बैठ के आराम से चिल कर सकते हो. यहाँ पे भी देखो, दिस इज़ फुल क्लास, बहुत ब्यूटिफुल सा नज़ारा है. हम लोग ये डिसाइड किया है कि अभी जाके लंच करेंगे, लंच के बाद हम लोग मे बी स्नॉर्कलिंग करेंगे और मे बी दूसरे एक्टिविटीज़ करेंगे. लेकिन एक्टिविटीज़ करने के लिए एक बात बताता हूँ मैं, रिसॉर्ट में बहुत महंगा रहता है. आई थिंक लगभग 500 यूएसडी डॉलर्स रहता है, तो दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव. तो हम लोग यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, मे बी डिफरेंट प्लेस विल गो एंड चेक इफ देयर इज अवेलेबिलिटी, वहाँ जाके करेंगे. कैन गाइस कैन सी दैट इट्स अ बिग फिश, मतलब 100 kg की मच्छी होगी अंदर पे. ब्यूटिफुल अगर दिखाई दे रहा है क्लियर से, देखो इफ यू कैन सी दैट देयर, ओ माई गॉड इट्स सो ब्यूटिफुल. इट्स गोइंग अंडर, इट इज समवेयर हियर इटसेल्फ. अरे आई डोंट सी, देयर इज अ स्मॉल फिश हियर, सो मेनी फिशेस, वाओ. हाँ देखो वहाँ पे जा रही है बड़ी मच्छी. ऐसे बहुत मछलियाँ हैं जो बड़े बड़े हैं. कम बैक, बहुत ब्यूटीफुल है. यहाँ पे भी वैसे आप लोग चल के जा सकते हो और स्नॉर्कलिंग कर सकते हो. ये पूरा जहाँ पे दिख रहा है, यू कैन डू गुड अमाउंट ऑफ स्नॉर्कलिंग हियर, स्पॉट वेरी गुड फिशेस. एंड आई हैव ऑर्डर्ड सी फूड सबमरीन. अभी विल गो अहेड एंड फिनिश दिस एज वेल. लुकिंग तो वेरी हैवी, बहुत हैवी लग रहा है. ट्राई टू फिनिश इट, इफ नॉट क्या करें. ऑल राइट, सो ये देखो वाइट सैंड बीच, ब्यूटिफुल बीच लग रहा है. इट इज़ टू सनी बिकॉज इट इज़ राइट नाउ, इट इज़ एग्जैक्टली 3:30 इन द आफ्टरनून, और आफ्टरनून में बहुत सनी रहता है, तो इसलिए यूजली लेट आफ्टरनून लाइक 4 to 4, 5 o'clock सब लोग रहते हैं यहाँ पे. बट नाउ यू कैन सी देयर इज नो वन, लिटरली एवरीथिंग इज एम्प्टी. Look at the wide beach. यहाँ पे कहीं I'll take you there. बहुत बहुत ब्लू कलर पानी है, बहुत ज़्यादा ब्लू है. इट इज़ वन ऑफ द क्लीनेस्ट बीचेस. एक बॉटल, एक कचरा भी नहीं रहता है. एवरी वन पिक्स इट अप, कीप्स द बीच वेरी क्लीन. हम लोगों को भी ऐसा करना चाहिए. मोस्ट ऑफ देम डोंट डू इट, बट आई डोंट सी अ सिंगल बॉटल और अ सिंगल गार्बेज ओवर हियर. एवरीथिंग्स क्लीन एंड नीट. अगर आपको डीप डाइविंग नहीं आता है, स्नॉर्कलिंग एटलीस्ट ट्राई करो और मुझे बताओ कैसे लगता है. अभी शाम हो रही है तो सनसेट के लिए रूम पे जाएंगे. पहले चेंज कर लूँगा, मैं बहुत थक गया हूँ, पूरा सॉल्टी सॉल्टी हो गया हूँ, तो जाके जल्दी पानी ला के फिर डिनर के लिए रेडी होता है बस. नाउ दिस इज़ द व्यू, लुक एट द व्यू, इट्स वेरी ब्यूटिफुल. दिस इज़ द वाइट सैंड, पूरा वाइट सैंड है यहाँ पे, एंड दिस नो बडी ऑन द आइलैंड, दिस इज़ मी.